तो आम जनता को बड़ी राहत, यूपीआई सेवाओं पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। वित्त मंत्रालय ने कहा ऐसा कोई विचार नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें थी कि अब यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस लगेंगे, लेकिन अब ऐसा ये पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। इस खबर का खंडन किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। ट्वीट आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर का। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, इससे लोगों को काफी सुविधा होती है, इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक भी बढ़ती है। यूपीआई सेवा के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। तो ये बहुत एक बड़ी राहत की बात है, शुल्क लगाने पर कोई विचार नहीं गई है। लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होगी। अभी यूपीआई के जरिए लेन देन पर कोई शुल्क नहीं है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने यूपीआई से भुगतान पर चार्ज वसूलने के संकेत दिए थे। देश के केंद्रीय बैंक ने इसके एक डिस्कशन पेपर भी जारी किया था, लेकिन अब इन खबरों का खंडन कर दिया गया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।